21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर निगम भिलाई क्षेत्र में जगह जगह आयोजन किए गए, जिसमें हर उम्र वर्ग के लोगों ने योग आसन किया और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन विशेष पर पूरे विश्व सहित भिलाई निगम क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए कई आयोजन हुए। विशेष तौर पर सत विजय ऑडिटोरियम भिलाई में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और महापौर नीरज पाल ने भिलाई वासियों के साथ योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के दौरान विभिन्न आसन लगाए और शहर वासियों को योग करने की सलाह दी। योग की विधा भारत देश द्वारा पूरे विश्व को प्रदान की गई है। योग करने से शरीर, मन और दिमाग सभी शांत रहकर सकारात्मक क्रियाओं की तरफ अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि आज योग की विधा को पूरा विश्व अपना रहा है। बीते कोरोना काल में भी योग ने अपनी अहमियत साबित की थी। जो लोग प्रतिदिन और निरंतर योगाभ्यास करते हैं, उनमें इस जानलेवा बीमारी के लक्षण लगभग शून्य मिले थे। निगम भिलाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की जानकारी निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी है। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम जो योग प्रशिक्षण शिविर का था, वो सत विजय ऑडिटोरियम में था। और इसके अलावा जो है, अपने यहाँ भिलवा तालाब है, शहीद गार्डन है और सूर्य अपार्टमेंट है, ऐसे कई विभिन्न स्थान हैं जहाँ पे छोटे छोटे रूप में सभी जो योगा के लिए जो प्रशिक्षण लिए हैं। और इसके अलावा स्वस्थ मन और तंदुरुस्त शरीर रखने के लिए, निरोग रहने के लिए इस प्रकार से जो योग प्रशिक्षण है, वो योग गुरु ने प्रशिक्षण सभी को दिया, जिसमें माननीय महापौर जी, आयुक्त महोदय और MIC सदस्य, पार्षदगण, इसके अलावा अन्य जो आम नागरिक हैं वो अधिकारी कर्मचारी सभी ने मिलकर योग का प्रशिक्षण लिया है। और इसे नियमित करने का जो नियमित करने के लिए एक सोच है कि इसको अल्टरनेट डेज में अपनाएं, और अभी ये प्रारंभिक चर्चा है, तो इसमें अल्टरनेट डेज करके कौन से डेज पे रखा जाए इस प्रकार से, ताकि हर वर्ष और हर समय हम योग को सीख पाएं और अपने अंतर मन में इसको अपना पाएं। इस उद्देश्य से जो है आज योग प्रशिक्षण शिविर प्राप्त किया गया। भारत देश द्वारा दिया गया नारा करें योग रहे निरोग आज पूरा विश्व दोहरा रहा है और इस योग की विधा में पारंगत होकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।